हमारे ये जो आज का कार्यक्रम उसको हम लोग रखे थे। ये कार्यक्रम में जगह जगह से सैकड़ों महिलाएं भागीदारी ली है। सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी जो है वो है हमारी बहन अंकिता जी की माँ सोनी देवी, बहुत हिम्मत से वो लड़ रही है, आगे जाकर भी लड़ेगी। और उनका जो दर्द, उनका जो वेदना, वो हम सभी लोग हमारे दिल में लेके चलेंगे और आगे जाकर किसी भी लड़की पर ऐसा अत्याचार जुल्म ना हो इसका खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, जिसमें हमें उम्मीद है कि अंकिता जी भी साथ देंगे। वो दे भी रही है, आगे भी जाकर साथ देंगे और हिम्मत वो जुटा रही है आज आगे जाकर, और सबका साथ लेकर इकट्ठा होकर गोलबंद होकर उन्हें और ज़्यादा हिम्मत मिलेगा, मिलने का उम्मीद है और हमारी आंदोलन और आगे बढ़ेगी। आज इस सभा से हम लोग एक संकल्प लेकर जा रहे हैं, कोने कोने में हम लोग बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर जुझारू ढंग से हम लोग ये सारे जो अन्याय अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं, आम जनता के साथ हो रहे हैं, इसको खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और हम कामयाब जरूर होंगे। अगर सारे महिलाएं अंकिता की माँ बिल्किस के दर्द ये अगर समझती है तो हमारी संगठन बहुत आगे बढ़ेगी और सभी महिलाओं को लेकर हम एक सशक्त जुझारू आंदोलन निर्माण में सक्षम होंगे और सरकार हमारी मांगे मानने को बाध्य होगी। अंकिता भंडारी के कार्यवाही तो चल रही है लेकिन VIP का नाम अभी उजागर नहीं हुआ, तो क्या कार्यवाही चल रही है जिसकी वजह से मेरी बेटी को। सोनी जी, सुनने में ये आ रहा है कि जो दोषी है उसको छोड़ दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का उसके ऊपर हाथ है, ये कह के। ये तो हमें नहीं पता कि छोड़ दिया गया है, लेकिन सरकार उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। उधर जाइए साथी, थोड़ा मैं चाहती हूँ अगर सरकार को मेरी बेटी से जरा सी सहानुभूति है, अगर सरकार मतलब अगर वो मतलब सरकार ये चाहती है कि मतलब अंकिता भी उनकी बेटी है, जैसे वो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर वो समझते हैं कि अंकिता उनकी बेटी है तो उन्हें मेरी बेटी को न्याय देना होगा। इसमें सरकार की तरफ से क्या सहायता मिला आप तक? क्या सहायता मिली हमें सरकार की तरफ से? अभी कुछ सहायता नहीं मिली। मैं तो आश्वासन दे रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, अभी भी आप देख ही रहे हो। क्या किसी तरह का साजिश वगैरह? तो साजिश तो है ये, जब VIP का नाम उजागर नहीं हो रहा है जिसकी वजह से उसको मतलब अपने रास्ते से हटा दिया। अंकिता की किसी से कोई दुश्मनी रही होगी? उसकी क्या दुश्मनी हो सकती, वो तो बच्ची थी, 17-18 दिन वहाँ गई थी वो, अभी उसने मतलब एक महीना भी पूरा वहाँ पे वो नहीं की थी, नौकरी नहीं की थी, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है किसी से, बताओ। आप पर किसी का दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, हम पे कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। हाँ जी, नहीं नहीं, सरकार आपको कुछ सहायता दे रही है? कुछ नहीं, अभी सुरक्षा मुहैया करा रही है? आपको किसी तरह का खतरा तो नहीं है? खतरा तो क्यों नहीं होगा, आप ही बताओ, जब वो गुंडे हैं तो हमें तो हर जगह से खतरा ही है ना। जब वो मेरी बेटी को मतलब इतने 17-18 दिन में मतलब मेरी बेटी ने क्या किया था, बताओ। तो क्या आपको सरकार किसी तरह की सुरक्षा मुहैया करा रही है? कुछ नहीं करा रही अभी। ठीक है, आपकी सरकार से क्या मांग है? मेरी सरकार से ये मांग है कि वो मेरी बेटी को न्याय दो, बस।
मोदी अगर मोदी बेटी के लिए हाँ जी और देश की तमाम बेटियों के लिए ऐसा ना हो। हाँ मेरी मतलब ये सरकार से ये प्रार्थना है कि वो अन्य बेटियों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जल्दी से जल्दी इन अपराधियों को सजा दे। जैसे कोर्ट में जैसे फास्ट कोर्ट में केस जाना चाहिए ना मैम, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जैसे पीछे निकाह हुआ था दामनी वाले में, ऐसा तो फिर बात आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए फिर। हाँ जी, मैं रचना अग्रवाल हूँ, मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ऑल इंडिया सचिव मंडल सदस्य हूँ। आज यहाँ पर हमने संसद मार्ग पर एक जो है उत्तर भारत का की तरफ से उत्तर भारत की महिलाएं जो है आज यहाँ एकत्रित होकर अपनी विरोध प्रदर्शन किया है महिलाओं के मुद्दों को लेकर। खास तौर से महिलाओं का आज हम जो देख रहे हैं पूरे देश भर में, उनकी सुरक्षा का प्रश्न आज सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी भाई साहब यहाँ बोल रहे हैं कानपुर में माँ बेटी को जला दिया गया, वो बुलडोजर चलाया गया, मतलब ये एक आम चीज़ हो गई है पूरे देश के अंदर। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, अंकिता भंडारी को जो है मार डाला गया, उसको विवश किया गया कि वो जो है उसको मतलब इस तरीके के देह व्यापार में धकेलने के लिए, और जब वो उसके लिए स्वीकार नहीं किया तो उसकी हत्या कर दी गई। आज उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन जो सत्तासीन सरकारें हैं, जो भाजपा है, वो अपने मंत्रियों को अपने सांसदों को बचाव करने के लिए इतनी दूर तक चली जाती है कि वो उनके जो है दुष्कर्म करने जैसे अपराध को भी नज़रअंदाज करती है। और आज पूरे देश भर में जिस तरीके से शराब, नशा, अश्लीलता, पोर्न फिल्में परोसी जा रही हैं, वो भी एक बड़ी वजह है कि पूरे देश के अंदर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। उस पर हमारी जो सरकारें हैं उनका जो रवैया है, वो रवैया हम बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। कितने सारे मामलों में उन्होंने जो है महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए उनका कोई चिंता नहीं है, और उसके लिए जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहे हैं, और जो सज़ा मिलनी चाहिए अपराधियों को नहीं मिलने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अभी जो बुलडोजर की बात हुई, बुलडोजर की सराहना होती है कि बाबा का बुलडोजर है और बुलडोजर क्रांति ला रहा है, यह तानाशाही है हमारे देश में। दरअसल लोकतंत्र है, लेकिन आज ये जो बुलडोजर नीति अपनाई गई है ये इस देश की सरकार का जो मनमानी है, उसकी जो तानाशाही सोच है उसका उदाहरण है। बुलडोजर से क्या आप साबित करना चाहते हैं? जो अपराधी है उसको अगर सजा दी जानी है एक प्रॉपर प्रक्रिया में जाकर न्यायिक तरीके से, न्यायालय के अंदर जो है उसका अपराध तय होगा, उसकी सजा तय होगी। लेकिन बुलडोजर से आप सड़क पर न्याय कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी है, ये न्याय नहीं है। क्रांति आ रही है इससे, ये दरअसल जनता को धोखा दिया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, इससे क्रांति नहीं, ये अपराध है। ये जनता के ऊपर, देश के नागरिकों के ऊपर उनको कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है, ये गलत है। कहा जा रहा है यूपी में खूब चलता बाबा का बुलडोजर, योगी बाबा का बुलडोजर जब चुनाव चलाता खूब चला ये प्रचार में। दरअसल उसे अपने विमान से जा रहे थे, बिहार देखो हमारे उसमें बुलडोजर दिखाया जाता था। देखिए हम जो पिछले 2014 से जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो स्पष्ट रूप से उसकी तमाम नीतियों से, उसके रवैये से हम स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि उसका जो चिंतन है वो अलोकतांत्रिक है, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, और वो जबरदस्ती गुंडागर्दी में विश्वास रखती है, और इसीलिए उसके जरिए ही हर चीज़ को हल करने का प्रयास कर रही है। बुलडोजर नीति उसी का हिस्सा है, और हम इससे पूरी तरीके से असहमत हैं, और हम मानते हैं कि ये सरकार का अलोकतांत्रिक कदम है जिसको उसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। नशाखोरी की आप बात कर रही हैं, अब नशाखोरी जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक के साथ एक शराब फ्री दी जा रही थी, कैसे देखते हैं? हम इसको पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, या वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो, या मध्य प्रदेश की भाजपा या राजस्थान की कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी राज्य के अंदर हो, आज वो शराब पर सहमत है, शराब को बढ़ाने पर सहमत है। इसको हम मानते हैं कि हमारे देश का जो कॉरपोरेट है वो पूंजीपति है, वो चाहता है कि हमारे देश के अंदर नशा, ड्रग्स, शराब इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि आज जो आर्थिक नीतियाँ वो लोग लेकर आ रहे हैं जिसमें वो महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, ठेकाकरण, जिसके चलते लोगों की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है, उसके खिलाफ जो जबरदस्त आंदोलन खड़े हो रहे हैं देश के अंदर रोजगार की मांग पर, महंगाई के खिलाफ, उस आंदोलन को कुचलने के लिए नीति नैतिकता पर वार किया जा रहा है, और इसलिए जो नशा की नीति है इसको बढ़ाया जा रहा है। ये सरकार की साजिश है, उसकी योजना है, अरविंद केजरीवाल सरकार की भी और सभी सरकारों की। एक तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन रहा है, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए देंगे तो वोट हम मोदी जी को ही, क्योंकि हिंदू सुरक्षित है।
ये दरअसल शुरुआत में जनता इसको भ्रमित जनता को वो भ्रमित कर पाए थे 2014 से जो उनकी सरकार आई है, और इसीलिए जनता के अंदर कहीं ना कहीं वो हिंदू मुसलमान की बात फैलाकर उन्होंने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज जनता समझ रही है, आज जिस तरीके से आर्थिक नीतियों के जरिए देश की हालात को, लोगों के हालात को दुर्दशा में बदल दिया गया है, जिस तरीके से भयंकर बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, आज जनता की आंखें खुल रही हैं और जनता अब इस धोखे में और ज़्यादा आने वाली नहीं है। आप कह रही महंगाई बढ़ी है, कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी हैं तो राम राज आ गया है, अमृतकाल चल रहा है। आप और हम सभी जानते हैं कि ये सब जुमले हैं, इस सरकार ये जुमलेबाजों की सरकार है और जिस तरीके के नारे देती रही है, जुमले बताती रही है, ये उससे जस्ट उलट काम करती रही है जिसके हम सभी भुक्तभोगी हैं। और अब जनता इनकी बातों में और नहीं आने वाली है, इनके तमाम नारों और जुमलों को एक तरफ करके जनता इनके खिलाफ आज एकजुट हो रही है। कहाँ हो रही है, मोदी जी एक अकेला, मोदी सब पर भारी, ये दरअसल वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। हम लोग आंदोलन निर्मित कर रहे हैं पूरे देश में और हम जान रहे हैं कि आज जनता के अंदर जबरदस्त रोष है और जनता जो है न्याय चाहती है और चाहती है कि नीतियों को बदला जाए, राम राज्य चाहती है। कहाँ कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए, ये दरअसल उनका जो राम राज्य है उसको उसका कुछ आभास जनता को मिल चुका है और अब जनता राम राज्य नहीं क्या चाहती है। उनका राम राज्य, उनका राम राज्य दरअसल उनकी तानाशाही है और उस तानाशाही को इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।